भाजपा माले किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। हथरस की घटना जहां पर बलात्कार हुआ, उसकी गला दबा दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और सबसे जो शर्मनाक बात हुआ कि लड़की के मृत्यु के बाद उस परिवार को लाश भी नहीं सौंपा गया, यह सबसे घृणात्मक बात है। और वही तरीका बिहार में लाने की जो कोशिश हो रही है भाकपा माले, उसको नहीं चलने देगा। हमारी मांग है कि उन सभी हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करके एसपीडी ट्रायल किया जाए और उनको सजा दिलवाई जाए। दूसरी जो बात है, अभी बिहार में किडनी तस्करी का काम चल रहा है जोरों पर। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए, और कंकड़बाग में जो किडनी तस्करी का काम हुआ है, जो किडनी निकाला गया है, उससे डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार करके और उसको सजा दिलवाने का काम सरकार करे। भाजपाई सरकार और नीतीश कुमार की सरकार साजिश करने में लगी हुई है। गुलनाज की हत्या को आत्महत्या बताने की साजिश के तहत वो गुलनाज की मां के मकान के बगल में जरीना खातून नाम की महिला है, उसके जरिए टीवी में ये सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है कि गुलनाज ने आत्महत्या की है। दरअसल गुलनाज की हत्या की साजिश के तार वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तार से जुड़े हुए हैं। दरअसल गुलनाज की जो बड़ी बहन है नासरीन, आज से 7 साल पहले नासरीन को जरीना खातून ने भेज दिया, जो शादीशुदा लड़की थी उसको भी भेज दिया था। और सैमुना जो गुलनाज की माँ है, सैमुना खातून के पुलिस के पास शिकायत करने के बाद उसकी नासरीन की बरामदगी हुई थी, और नासरीन को कोर्ट में बयान दिलवा के उसकी नासरीन की माँ यानी गुलनाज की माँ सैमुना खातून को सौंपा गया था। इसलिए एक दूसरी साजिश हो रही है कि गुलनाज की हत्या को आत्महत्या बता के अपराधियों को, दरिंदों को बचाने की साजिश हो रही है। ये साजिश बंद करें और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 100 दिन के अंदर सजा देने की कोशिश हो करे सरकार, इसकी गारंटी करे। और सरकार ने इस घटना को 15 दिन तक क्यों छुपाई, इसकी भी जांच हो। प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी के सस्पेंशन से बात नहीं होगी, उन पर मुकदमा हो, उनको जेल में डाला जाए, यही हम मांग करते हैं। नहीं तो बिहार को हथरस बनाने की साजिश हम लोग, बिहार की जनता भाकपा माले कभी नहीं होने देगी। हम सड़क से संसद तक, ये सड़क से जो है विधानसभा के सदन तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मर गई जब बच्ची तो ले जाकर के माँ बाप को दिया नहीं लाश, और ले जाकर के पेट्रोल छिड़क करके जला दिया। ठीक इसी तरह से गुलनाज का मामला है। वैशाली में एक गरीब बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन तेल छिड़क करके उसको जला दिया गया। 12 बजे तक होना है और 12 बजे तक नामांकन किया जाएगा। मैं नीचे कर दूंगा और नीचे करके बाद जो प्रक्रिया है, कार संचालक नियमावली देखिए। शर्मिला श्रवण कुमार बात कर रहे हैं, अभी हम उनसे बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नाम तो घोषणा तो कल होगी ना? तो अगर विपक्ष उतारता है उम्मीदवार तो फिर चुनाव की नौबत में कल जो है वो पूरा किया जाएगा? अभी तो इस तरह की परंपरा नहीं रही है। अभी तो परंपरा इस तरह का अभी सर्वसम्मति सर्वसम्मति से ही करते हैं। उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ही। आज कितने बजे तक नामांकन का समय? 12 बजे। यदि नौबत आती है तो फिर हाँ पक्ष और ना पक्ष? ऐसी नौबत नहीं आती है, अभी तक तो नहीं आई है। अब मैं समझता हूँ कि आना भी नहीं चाहिए। आज 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 जो बचे हुए सदस्य हैं वो लेंगे और शपथ और नामांकन की बात है, इसके अलावा और आज क्या है? आज तो नामांकन है और उसके बाद जो बचे हुए सदस्य हैं उनका शपथ शपथ फिर कल जो है वो। तो श्रवण कुमार सर्वत्र पूरे बिहार में घूमते रहते हैं, हम लोग तो अभी कन्फाइंड हैं पटना में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र तक है। तो बिहार भर की खबर आप लोगों को है कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट कहाँ है, तो आप ही लोग पता लगा सकते हैं कहाँ पर हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन जो दावे करते थे वो दावे आज कहाँ गए?
हम लोग पहले से भी कहते थे कि इनका दावा बिल्कुल खोखला है, अब वो चिराग नहीं है जो चिराग जलता था, अब चिराग जलने वाला चिराग बिहार में लाने की साजिश चल रहा है। ये हमारे विभाग का मालिक के साथ सवाल है कि यहाँ पर रैकेट चल रहा है, कहीं न कहीं जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है पक्ष में दिया था महागठबंधन के पक्ष में, ये तो बेईमानी और षड्यंत्र करके ये सरकार में बने हुए हैं, इनको स्पष्ट बहुमत है नहीं, तब तो किसी भी वक्त कोई भी स्थिति आ सकती है। महागठबंधन की बैठक है, उसमें निर्णय होगा कि हम लोगों को उम्मीदवार देना है कि नहीं देना है, लेकिन ये सरकार तो अल्पमत की है, ये सरकार तो बहुमत में है नहीं, कभी भी ये सरकार गिर सकती है, और अध्यक्ष में भी उम्मीदवार यदि दे तो बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ललित यादव क्या सोचते हैं, देना चाहिए या नहीं देना वर्तमान? ये तो महागठबंधन की बैठक है, अभी महागठबंधन के बैठक में सभी पार्टी के लोग बैठेंगे और उसमें निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा उस निर्णय उपरांत ही महागठबंधन के उम्मीदवार हो या नहीं हो इस पर विचार लेंगे। ये सरकार अल्पमत में है, तो इसीलिए स्पीकर में भी यदि महागठबंधन उम्मीदवार देती है तो हमको लगता है नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी हो सकता है। अगर सभी विधायकों का राय होगा कि नहीं खड़ा करना है तो खड़ा किया जाएगा, अभी तक उसको तय नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अभी बैठेंगे फिर आपको बताएंगे। तो नहीं कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने तय कर लिया है, तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि उम्मीदवार उतारा जाएगा विधानसभा? नहीं, हमसे तो बात है, कल भी बात है, अभी हम लोग बैठेंगे उसको चिंतन करेंगे, और अगर सभी विधायक कहते हैं कि नहीं खड़ा करना चाहिए तो निश्चित तौर पर, जनमत तो पूरे बिहार में जनता ने हमें दिया था, निश्चित तौर पर ये अपहरण करके वोट्स को आप सरकार बना लिए हैं, निश्चित तौर पर अगर सभी विधायक कहेंगे तो हम लोग कैंडिडेट 12 बजे तक नामांकन का टाइम है, बस अभी तेजस्वी यादव जी भी आदरणीय आ रहे हैं, अभी हम लोग बैठेंगे और मिलजुल के बैठ के तय करेंगे।